ये हुजूम ये एहसास करा रहा है तानाशाही हुकूमत को कि आप जितनी जल्दी ब्रजभूषण को गिरफ्तार कर लेंगे उतना अच्छा होगा, वरना अभी जंतर मंतर भरा है, जिस समय देश भरेगा उस समय तो करना ही पड़ेगा। आप तो जंतर मंतर दिल्ली सब बनने को तैयार हैं, पर पहलवान तो आपकी तरफ सोच भी नहीं रहे। देखिए, हम ये कहते हैं कि अम्बेडकरवादी जो होता है वो इस देश में जाति देखकर किसी का समर्थन नहीं करता है, वो अन्याय देखकर समर्थन करता है। आप जो पीड़ित है वो हमारे समर्थन को एक्सेप्ट करे या ना करे। कभी तो ये भी था ना कि बाबा साहब अम्बेडकर को समाज के लोगों ने एक्सेप्ट नहीं करा था, माननीय कांशीराम साहब को भी समाज के लोगों ने एक्सेप्ट नहीं करा था, लेकिन उन्होंने ये थोड़ा ही था कि समाज को छोड़ दिया। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा तो जिन्होंने विरोध भी किया उन लोगों को भी अधिकार मिल रहे हैं। तो आज पहलवान हमें एक्सेप्ट करें या ना करें, ये सारी चीज़ें चल के जहाँ से भी आ रही हैं हमें नहीं पता, लेकिन हम उनके साथ खड़े हैं, आखिरी सांस तक खड़े हैं। जिस दिन पहलवान ये कह देंगे कि हमें इनकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, उस दिन नहीं आएंगे साहब। ना कहीं सब कुछ दिख रहा है। नहीं, अब तो समझ आ रहा है धीरे धीरे। अब तो बाबा साहब का झंडा भी नहीं है, बाबा साहब की तस्वीर नहीं, हनुमान मंदिर गए, इंडिया गेट है बाबा साहब के नाम का भी। अब तो धीरे धीरे उनको भी समझ आ रहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर के जो अनुयायी हैं उनके बिना किसी भी आंदोलन में जीत हासिल नहीं की जा सकती। उसके बाद आपने कल देखा होगा कि भीम आर्मी चीफ का और विनेश फोगाट ने और बहन जो है वो साक्षी मलिक, उन्होंने उनका ट्वीट किया हुआ है। देखिए मैं क्या कहता हूँ, वो एक दम होता है ना जाति का, उसको निकलने में थोड़ा सा समय तो लगता है। जब हम लोग न्याय के लिए भटक रहे हैं, जब हमें एहसास हो रहा है कि कौन अपना है कौन पराया है, और जब हमें न्याय नहीं मिल रहा, जब समझ आ रहा है, तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ आता है। कब तक बिना बुलाए जाओगे? देखिए मैं ये सुनिए, आपका सवाल है और हम इसको कहेंगे भी आपके लिए। मैं ये कहता हूँ कि जब हम ये बात करते हैं कि इस देश में रहने वाला एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी वो समाज बहुजन समाज का हिस्सा है, तो यार अगर वो नहीं समझ रहा है, वो आपने आरएसएस का एक कैडर देखा होगा। आरएसएस का कैडर का क्या होता है, आरएसएस आपके दरवाजे पे एक दिन जाएगी, आप उसको धुतकार के भगा दो, दूसरे दिन जाएगी धुतकार के भगा दो, वो 10 दिन आपके घर जाएगी, 10वें दिन आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन उनकी नीति समाज को बांटने की, हमारी नीति समाज को जोड़ने की है, और जो व्यक्ति समाज को जोड़ने निकलता है उन्हें तमाम तरह की चीजों का सामना करना पड़ता है। प्रयास कब तक करते रहोगे? जब तक जोड़ नहीं लेंगे, जब तक प्रयास करते रहेंगे। प्रयास की कोई समय और सीमा नहीं होती है, बिल्कुल प्रयास करेंगे जोड़ने का। अभिषेक, ये जो पूरी है लड़ाई है ये कानून से ही जीती जाएगी। पहलवान जो है लगातार एक महीने से यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस बाबा साहब अम्बेडकर ने आखिरी सांस दिल्ली में ली वो जगह भी यहाँ पर मौजूद है? पहलवान जो है धार्मिक जगहों पर पहुँच गए लेकिन वहां तक नहीं पहुँचे, इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? देखिए वजह मैंने आपको बताया, मैं सीधा डायरेक्ट तौर पे यहाँ पर एक कॉपी भी नहीं आ, मैं सीधा तौर पे एलिगेशन नहीं लगाऊंगा, लेकिन हाँ मैं ये जरूर कहूंगा कि मैंने आपको बताया ना कि जो जातीय दंभ है वो कहीं ना कहीं दिमाग से नहीं निकलता। हालांकि बाबा साहब अम्बेडकर जो है वो किसी एक जाति के महापुरुष थोड़ा ही थे, उन्होंने तो देश में संविधान लिख के समूचे भारत को एक ऐसा संविधान दिया जिसकी वजह से खासकर महिलाएं, वो तो किसी भी जाति या धर्म में हो, उन्हें जो अधिकार मिल रहे हैं वो बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से मिल रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि बड़े भाई भीम आर्मी चीफ उनके बहुत नज़दीक हैं, वो जब नज़दीक है तो वो ये बात उनसे ज़रूर कहें कि भाई जब आप तमाम तरह पे स्थलों पे जा रहे हैं तो एक बार बाबा साहब अम्बेडकर के स्थलों पे भी आप जाइए। जहां बाबा साहब अम्बेडकर ने दिल्ली में आखिरी सांस ली वो यहां से कुछ दूरी पे आप वहां भी जाइए। जब आपको न्याय कानूनी तौर पे चाहिए और जिस न्यायिक व्यवस्था को स्थापित करने वाले ही बाबा साहब अम्बेडकर थे, उनके बिना आपको न्याय कैसे मिल जाएगा? हाँ ये विषय है भाई, इस पर हम बात ज़रूर रख सकते हैं, लेकिन मैं फिर यही कहूंगा कि जातीय दंभ है, उसको निकलने में थोड़ा सा समय तो जरूर लगेगा, लेकिन हाँ निकाल के जरूर फेंक देंगे। चंद्रशेखर पे एक आरोप लग रहा है कि यहाँ आने के पीछे कहीं ना कहीं एक राजनीतिक मकसद है, ऐसा कुछ है? देखिए ये आपको पता है कि राजनीतिक स्टंट या बहुत सारी चीजें होती, तो ये सवाल तो आप चंद्रशेखर भाई से करेंगे तो बेहतर होगा। कमजोर इस बात को कहने में कोई दोराय नहीं, कमजोर। लेकिन ये जो एक व्यक्ति ये कह रहा है के सदी रीत चली आई और हम झूठ बोले ये ना बोले, वो धार्मिक एजेंडा ला रहा है, आप भी धार्मिक एजेंडा लेके आ रहे हो, तो यार धार्मिक एजेंडा थोड़ी, ये लड़ाई मनु के विधान से नहीं भारत के संविधान से जीती जाएगी, ये लड़ाई भारत के संविधान से जीती जाएगी, भारत के संविधान से न्याय मिलेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये पहलवान है, आज तक मट्टी में रहे और उसके बाद इन्होंने कभी भी ये दम्भ नहीं देखा, आज ये दम्भ को देख रहे हैं, धीरे धीरे समझ जाएंगे। इन्हें ये लगा कि वो संगठन, जो संगठन बहन बेटियों का समर्थन करता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि संगठन हमेशा समर्थन जाति
पंत समुदाय देखकर करता है। इन्हें लगा कि अगर हम हनुमान मंदिर और तमाम जगह जाएंगे तो वो भाजपा वो आरएसएस के जो संगठन है वो भी हमारे साथ आएंगे, लेकिन वो नहीं आएंगे। जिस विचारधारा से ये लड़ रहे हैं वही विचारधारा के ये लोग हैं। विचारधारा जो है यार, हम भी उसी विचारधारा के थे कभी, लेकिन जब हमारे माँ बापों ने और हमें ये पता लगा कि भाई बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लिए क्या किया, तब हम अम्बेडकरवादी विचारधारा पे गए। वरना कभी हमारे जो हमारे घर की बड़ी लेडी से थी, बड़े थे, बुजुर्ग थे, वो भी तो कहीं ना कहीं मनु के विधान को ही मान रहे थे। लेकिन अब धीरे धीरे समझ रहे हैं, नहीं जाता कोई वहाँ। लेकिन हाँ, आप हनुमान मंदिर और तमाम जगह तमाम चीज़ों पे जाके उस धर्म को अपने ऊपर हावी कर रहे हैं, और हावी करके आप इस लड़ाई को नहीं जीत सकते। लड़ाई भारत के संविधान से जीती जाएगी, लड़ाई आप कानूनी तौर पे जीत सकते हैं। न्यायिक व्यवस्था बनाने वाले बाबा से बैठ करते हैं, उनके दिखाए रास्ते पे चल के आप इस लड़ाई को जीत सकते हैं। भाईचारा बना रहे हैं समाज में, आप क्या उम्मीद करते हैं कि आपके प्रति भी उदारता बढ़ती जाएगी भविष्य में? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय कांशीराम साहब, ज्योतिबा फूले, पेरियार, लय सिंह यादव, जितने भी ये महापुरुष थे, ये सब लोग एकता बनाते बनाते गए ना, जब ही तो हमारे जैसे और इन जैसे नौजवान खड़े हुए ना। तो आज हम प्रयास करेंगे, ये समाज की एक कुरीति और भारत का एक कड़वा सच है जाति, जो शायद ही कभी जा पाएगी। इसके लिए जब तक हम लोग सत्ता में स्थापित नहीं होंगे, कोई बहुत बड़ा कदम नहीं उठाएंगे, जब तक नहीं होगा। देखिए, अगर समझ जब आएगी, जब बिल्कुल खत्म ही हो जाएंगे, तो फिर उस समझ का भी कोई फायदा नहीं है। हमने किसान आंदोलन भी देखा, 700 से ज्यादा किसानों ने अपनी आहुति दी। फिर यहाँ पे अगर एक जाति की बात करें, तो कभी अगर ये कह दे कि भाजपा हमारी जाति के लिए, भाई ऐसा कुछ नहीं है, तो किसान इतने सालों तक बैठे रहे वो किस जाति के थे? हालांकि किसानों की एक जाति तो नहीं होती है। सारे हिंदू संगठन है जो बेटियों को बचाने की बात कहते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी ये कह रहे थे कि यदि मुसलमान एक लड़की उठा के ले जाएगा तो हम 20 ले जाएंगे। अब मुख्यमंत्री या उनके संगठन कहाँ हैं? सब सो रहे हैं। देखिए, पहलवान अगर चाहें, मैं यहाँ बहुत छोटी और बहुत बड़ी बात कह देता हूँ, पहलवान अगर चाहें, अगर वो इशारा भी करें, तो यही वही दिल्ली है जहाँ अम्बेडकरवादियों ने यहाँ प्रधानमंत्री को नचा दिया था। साहब, इतने लोग यहाँ पे आए थे गुरु घर के आंदोलन में, इतने लोग आए थे, लेकिन आज बड़ी विडंबना है कि देश की पहलवान बेटियाँ सड़कों पर हैं, और एक बार भी हम दिल्ली को उस तरह नहीं हिला पाए जिस तरह हम हिला लेते हैं।